सिकंदरा थाना क्षेत्र के लोहंडा इलाका स्थित श्री कृष्ण महाविद्यालय परिसर में पुलिस ने छापेमारी कर चार को 2 देसी कट्टा, 20 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। जमुई एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण संघ कॉलेज में काफी संख्या अपराधी किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सिकंदरा और चंद्रदीप थानाध्यक्ष के साथ एक टीम बनाई गई और सशस्त्र पुलिस के साथ चिन्हित स्थान पर छापेमारी की गई। इस कार्यवाही में 4 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए जबकि 3 अन्य फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 2 देसी कट्टे, 20 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व वे लोग एक लूट और रंगदारी की घटना को अंजाम दिए थे। उसी घटना में बरामद मोबाइल को लूटा गया था। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ सिकंदरा और चंद्रदीप थाने में कई मामले दर्ज हैं। 10 मार्च 2022 को संध्या में थाना अध्यक्ष सिकंदरा जितेंद्रदेव दीपक को गुप्त सूचना मिली कि पुलिस अधीक्षक महोदय मतलब मेरे द्वारा और जो SDPO जमुई हैं उनके द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित की गई कि कुछ लोगों द्वारा सिकंदरा लखीसराय बॉर्डर पर श्री कृष्ण कॉलेज लोहंडा परिसर में बड़ी घटना का योजना बनाया जा रहा है, जिसके तहत सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की गई और कुल चार लोगों के पास से 20 जिंदा कारतूस, 2 लोडेड देसी कट्टा एवं 3 मोबाइल पकड़ा गया। उसमें कुछ और भी लोग थे जो भागने में सफल रहे, जिनका हम अन्य से पता लगा रहे हैं। इस संबंध में हमने सिकंदरा थाना कांड संख्या 49/22 दिनांक 10 मार्च 2022 धारा 399-402 भादवी एवं 25(1)(BA)(2635) आर्म्स एक्ट के तहत 9 नामजद जिसमें 4 गिरफ्तार हैं एवं 3 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पकड़ाए गए अपराधियों ने अपने स्वीकृति बयान में यह बताया है कि 5 से 6 दिन पूर्व चंद्रदीप थाना अंतर्गत बहछा मोड़ स्थित कुलसुम हड्डी मिल में रात्रि करीब 15-16 व्यक्तियों के साथ मिल में घुसकर मौजूद गार्ड एवं मजदूर को मारपीट करते हुए उन लोगों के पास से 5 मोबाइल एवं रुपए छीन लिए गए और उनको धमकी दिया गया था कि जब तक रंगदारी नहीं देंगे तुम्हारे मालिक को और तुम लोगों को हड्डी मिल को बंद रखना पड़ेगा। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर हड्डी मिल से लूटे गए 4 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रही है। जो घटनाएं हैं उनका आपको विवरण है। चंद्रदीप थाना कांड संख्या 22/22 दिनांक 5 मार्च 2022 रंगदारी की आपको सेक्शन है 386-387। चंद्रदीप थाना कांड संख्या 113/20 दिनांक 19 अगस्त 2020 धारा 341-307-34 एवं 27 आर्म्स एक्ट। सिकंदरा थाना कांड संख्या 30/22 दिनांक 15 फरवरी 2022 धारा 392 भादवी। सिकंदरा थाना कांड संख्या 41/22 दिनांक 25 फरवरी 2022 धारा 392-411 भादवी। जो गिरफ्तार अभियुक्त थे उनके नाम हैं बबलू कुमार पिता नेपाली यादव साकिन इस्लाम नगर थाना चंद्रदीप, चंदन कुमार पिता श्री हरिचरण प्रसाद साकिन भुआलटांड थाना कौवाकोल जिला नवादा, कुलदीप कुमार पिता स्वर्गीय शिवनंदन रावत साकिन पैलबाजन थाना सोनू जिला जमुई, कैलाश कुमार पिता भरत यादव साकिन कोरोता थाना जिला लखीसराय। तो यही इनके विवरणी। बरामद क्या देसी कट्टा है, 20 जिंदा कारतूस है और 7 मोबाइल है। तो ये लोग जो सर और ये गैंग के तहत काम कर रहे थे पूर्व में, आपको जो चिमनी भट्टी जो है जो ईटा वाला भट्टी होता है वहां पे भी इन लोग के द्वारा ये वाला कार्य किया गया था, पर इसकी सूचना मिली थी पर उनके द्वारा जो डर के कारण आप लोगों ने उन्होंने कांड दर्ज नहीं कराया। तो इस संबंध में चंद्रदीप में जब दोबारा इन लोगों ने ऐसा कार्य किया तो हम लोग इनके पीछे प्रयास कर रहे थे। इसी बीच आपको चंद्रदीप में ये सूचना है कि कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे अड्डा जमाया गया है और वहीं पर हमने छापेमारी की तो इनके साथ बरामद हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जमुई ब्यूरो सदानंद कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत।